रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। विभागों का निजीकरण करना अब सरकार की किरकिरी बना हुआ है। एक ओर जहां रोडवेज कर्मी हड़ताल पर है, वहीं उनके समर्थन में कई अन्य विभागों के साथ साथ हरियाणा विद्युत वितरण निगम के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यूं तो सही मायने में इन दिनों त्योहारों का सीजन है, लेकिन प्रदेश के हालात देखकर लगता है कि यह हड़तालों का सीजन चल रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित हरियाणा विद्युत विभाग के कार्यालय पर देखने को मिला, जहां पर विद्युत कर्मी रोडवेज कर्मियों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश में एक ओर जहां रोडवेज कर्मी हड़ताल पर हैं, वहीं उनके समर्थन में अब कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी विषय को लेकर जब यहाँ कर्मचारी नेताओं से बात की गई तो उनके मुताबिक हरियाणा रोडवेज कर्मियों की मांगे जायज हैं और सरकार जो विभागों में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है वह कर्मचारी विरोधी है। उनकी माने तो करीब 10 दिन से चल रही इस हड़ताल में प्रदेश भर के करीब 3.25 लाख कर्मचारी रोडवेज कर्मियों के समर्थन में हड़ताल पर हैं और अगर सरकार जल्दी उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग सिर्फ एक ही मांग है हमारी कि हरियाणा रोडवेज की जो हड़ताल 16 दिनों से चली आ रही है उसके समर्थन में पूरे प्रदेश का बिजली बोर्ड का कर्मचारी आज लगभग 10 दिनों से हड़ताल पर है और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक कि रोडवेज की जो भी मांगे हैं सिर्फ रोडवेज के बेड़े में जो 720 रूट परमिट की बसें हैं उनको जब तक सरकार वापस नहीं करती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज ये हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है और बिजली बोर्ड का जो संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ है इसके आह्वान पर लगभग 16 दिनों से पूरे प्रदेश का कर्मचारी और इससे संबंधित 22 विभागीय यूनियन और हरियाणा प्रदेश के लगभग 3,25,000 कर्मचारी इस हड़ताल में आज शामिल है। प्रोटेस्ट हम इसलिए करेंगे, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे जो समर्थन है कर्मचारी महासंघ का, हमारा रोडवेज के साथ समर्थन है, जो रोडवेज के ऊपर दमन किया हुआ सरकार ने, हमारे कर्मचारी साथियों को जिनके आसमा के तहत बहुत से केस ला दिए हैं, हमारे 10-15 कर्मचारी को सस्पेंड किया है, टर्मिनेट किया हुआ है, उनके पक्ष में हमारा ये प्रदर्शन चला हुआ है और हमने 22 तारीख से हमारे कर्मचारी महासंघ का हमारे जैसे ही मैसेज मिला है अब हड़ताल का, हम 22 तारीख की रात को 10 बजे से हड़ताल पर हैं सारे कर्मचारी और जब तक हमारे रोडवेज के कर्मचारियों की मांगें जो जायज मांगे हैं जैसे 720 रोडवेज परमिट हैं उनको कैंसिल करना है, जितने हमारे कर्मचारी सस्पेंड कर रखे हैं टर्मिनेट कर रखें, जब तक वो ड्यूटियों पर नहीं आते हैं और जब तक हमें ऊपर से आदेश हमारे सेंट्रल काउंसिल का नहीं आता है तब तक ये हमारी जो हड़ताल है ये सुचारू रूप से चालू रहेगी।